नमस्कार दोस्तों, सिकोविद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बनाने वाली इंडिया की नंबर वन कंपनी है। एशिया में इस कंपनी का तीसरा स्थान और वर्ल्ड में पांचवा स्थान रखती है ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बनाने में। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन हिट कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज इंडिया की जो नंबर वन कंपनी है, जो कि अभी ग्रीन प्लाई से डीमर्ज होकर बनी है, और ग्रीन प्लाई का ये जो ग्रीन प्लाई कंपनी है, इसके जो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बिजनेस को अलग करने के लिए 2018 में इससे एक कंपनी अलग किया गया है और उसको ग्रीन पैनल इंडस्ट्री नाम दिया गया है। तो बेसिकली ये ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है, और जो कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बनाने पे ही अपना फुल फोकस करती है। तो ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड से ही रिलेटेड ये सारे प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे कि देख सकते हैं क्लब एचडीएफ, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड और ब्लैकवुड, डेकोरेटिव वेनियर्स, फ्लोरिंग और डोर्स। तो इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, क्लब एचडीएफ की हम बात करें तो ये लोकल जो प्लाईवुड मार्केट में मिलता है उसका एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। ये जो बोर्ड होता है, वाटर रेजिस्टेंस, हाई डेंसिटी, टर्माइट प्रूफ, वायरस फंगस प्रूफ ये बोर्ड होता है। और इस बोर्ड का जो इस्तेमाल है, जो किचन में जो वेट एरिया होता है वहां पे सबसे ज्यादा होता है। जैसे किचन का ये पोर्शन देख सकते हैं, जहाँ पे ये नल वगैरह लगे होते हैं वहां पे इसको हम पैनलिंग के काम में यूज करते हैं। इसके अलावा ये बाथरूम में अलमारी वगैरह जो हम बनाते हैं तो वहां पे भी इसको यूज करते हैं। इससे फर्नीचर बनाया जा सकता है, कमर्शियल जो स्पेस होता है उसमें इंटीरियर्स बनाने के लिए भी इस जो क्लब एचडीएफ बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड की हम बात करें तो देखिए, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एक हार्ड लकड़ी का फाइबर से बनता है ये बोर्ड। ये बोर्ड सिंथेटिक रेजिन, वैक्स और हाई टेम्परेचर, ये तीनों को कॉम्बिनेशन से इस बोर्ड को तैयार किया जाता है। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को हम चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक इंटीरियर ग्रेड एमडीएफ है, उसके बाद ये एक्सटीरियर ग्रेड एमडीएफ है, प्रीलिमिनेटेड एमडीएफ और कार्ब एमडीएफ है। अब इनके थोड़े से हम ब्रीफ में बात कर लें तो जो इंटीरियर ग्रेड एमडीएफ होता है, ये बेहतरीन रेगुलर डेंसिटी मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड है। इसके फाइन टेक्सचर, हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ और इनहेरेंट स्टेबिलिटी और इजी टू यूज इस प्रोडक्ट को काफी आकर्षक बनाता है। इसका उपयोग जैसे हम घरों में आलमारी बनाने के लिए, वार्डरोब बनाने के लिए, दीवार का पैनलिंग करने के लिए, टेबल टॉप बनाने के लिए, खिलौना, ट्रॉफी, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। घर का इंटीरियर जब भी हम करवाते हैं तब भी इसी बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा हम बात करें तो एक्सटीरियर जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये हाई डेंसिटी और मजबूती का दूसरा नाम जो हम बोलते हैं वो इसी बोर्ड को बोलते हैं। ये इको फ्रेंडली भी होते हैं और बहुत कम फॉर्मेल्डिहाइड का उत्सर्जन करते हैं। ये जो हार्मफुल केमिकल्स की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड इसका बहुत कम ही ये मतलब उत्सर्जन करते हैं। अब चूंकि ये एक्सटीरियर यूज होता है तो इसलिए उसका इफेक्ट भी हमें नहीं के बराबर देखने को मिलता है। इसका उपयोग जैसे हम अपने गार्डन में जो टेबल चेयर्स वगैरह यूज करते हैं या बालकनी में हम चेयर यूज करते हैं, वो सब बनाने के लिए हम ये एक्सटीरियर ग्रेड एमडीएफ का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे हम बोर्ड की बात करें तो ये प्री लेमिनेटेड एमडीएफ होता है। ये क्या होता है, प्रीमियम क्वालिटी होता है, जो कि मॉइस्चर रेजिस्टेंस, स्क्रैच रेजिस्टेंस, सुपीरियर एब्रेशन रेजिस्टेंस, उसके बाद जो
क्रैक होता है, क्रैक और स्ट्रेन रेजिस्टेंस होता है, ये लेमिनेटेड बोर्ड होता है, और ये जो बोर्ड है ये वुड ग्रेन कलर, फैब्रिक टेक्सचर और सॉलिड कलर, तीन कलर में ये आता है, और ये एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, और ये पानी में भी जल्दी खराब नहीं होता है। और इसके अलावा जो चौथा प्रोडक्ट की हम बात करें तो ये कार्ब एमडीएफ है, और ये भी कम मात्रा में फॉर्मल्डिहाइड का उत्सर्जन करता है, और ये जो है इसको इंटरनेशनल जो कहते हैं ग्रीन ग्रेड के जो मानक है उसके तहत इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, और ये भी एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कि लकड़ी का ही बना होता है। इसका उपयोग हम ऐसे स्थान पे करते हैं जहां सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ साथ हाइजीन का भी हम विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स के फर्नीचर हो गए, या फिर बच्चों के फर्नीचर हो गए, खिलौने हो गए, मॉड्यूलर फर्नीचर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, कपबोर्ड हो गया, कपबोर्ड शटर्स हो गया, या टीवी कैबिनेट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इनका ये फाइबर बोर्ड की बात थी। इसके अलावा प्लाईवुड की हम बात कर ले तो प्लाईवुड भी कई प्रकार के हैं, और ये जैसे घरों में जो हम फर्नीचर वगैरह जो यूज करते हैं उसको बनाने के लिए ये प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लाईवुड भी कई प्रकार के हैं, और कुछ प्लाईवुड तो ऐसे हैं जो लाइफ लॉन्ग वारंटी के साथ आते हैं। अगर आप इनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो जैसे ये देख सकते हैं कि ये जो इनका प्रोडक्ट है ये लाइफ टाइम गारंटी के साथ आता है। और इस प्रोडक्ट की बात हम करें तो ये प्रोडक्ट है क्लब प्लाईवुड। इसके साथ ही कई प्रकार के प्रोडक्ट है जो लाइफ टाइम वारंटी के साथ, देखिए ये प्रोडक्ट जो है 21 इयर्स गारंटी के साथ आता है। तो इसी प्रकार के ये हाई क्वालिटी प्रीमियम सेगमेंट के ये बोर्ड्स हैं। और जैसे ये हम गोल्ड BWP प्लाईवुड की हम बात करें तो ये जैसे ऐसे स्थानों पर यूज किया जाता है जहाँ सर्दी गर्मी बरसात तीनों का सामना डायरेक्ट मौसम से होता है, तो ऐसी जगह पे अब चूंकि खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है तो यहाँ पर ये गोल्ड BWP प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार के कई इनकी वैरायटी है प्लाईवुड में भी, आप इसको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। इसके बाद इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट है डेकोरेटिव वेनियर्स। डेकोरेटिव वेनियर्स क्या होता है, एक ये पैनल्स होते हैं, पैनल्स जिनको जोड़कर, लकड़ी के पैनल्स हैं, इनको जोड़कर एक फर्नीचर का रूप दिया जाता है या कैबिनेट का लुक दिया जाता है, और ये भी बिल्कुल डस्ट प्रूफ होते हैं, और डस्ट प्रूफ के साथ साथ ये जो इनकी जो डिजाइनिंग है वो यूनिक और एक्सोटिक होते हैं। तो इसके साथ ही ये जो है ये तीन क्वालिटी में आते हैं। इनकी हम बात करें तो देखिए ये नेचर मैक्स वेनियर्स हैं, उसके बाद स्पेक्ट्रोवुड वेनियर्स हैं, और ये टीक वेनियर्स हैं। तो आप इन तीनों के बारे में यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, और ये कैसे प्रोडक्ट हैं आपको यहाँ स्टडी करने पर पता लग जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोडक्ट इनका है फ्लोरिंग का। फ्लोरिंग में ये जो लकड़ी के जो ये फ्लोरिंग का जो प्रोडक्ट बनाया है ये 10 साल की वारंटी के साथ ये आता है, और ये जो फ्लोरिंग है ये भारतीय जो टेम्परेचर है भारत में, जैसे ये सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम को ध्यान में रख के बनाया गया है। जहाँ एक्सट्रीम ठंड पड़ती है जैसे लद्दाख जैसा एरिया है, हिमाचल का एरिया है, लद्दाख का है, J&K का एरिया, जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है वैसे एरिया को भी ध्यान में रखा गया, और साउथ इंडिया जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वैसे एरिया को भी ध्यान में रखा गया, और साथ ही इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है जहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होता है उन एरिया को, कहने का मतलब तीनों मौसम को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है। और इस प्रोडक्ट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे घर के इंटीरियर्स में या एक्सटीरियर्स में भी, इस पर कंपनी 10 साल का वारंटी भी देती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको जैसे आपने एक बार यहाँ पे यूज किया है तो आप इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करके रीयूज भी कर सकते हैं, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है। और लास्ट प्रोडक्ट की बात करें तो ये डोर्स भी बनाते हैं, और ये भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये डोर्स बनाया गया है।
जो कि ये डस्ट फ्री सरफेस देते हैं और ये स्क्रेच फ्री और एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज को भी बड़ी आसानी से ये झेल सकते हैं। ये 10 वर्ष की वारंटी के साथ ये भी आता है। और जब हम इसके बात करें तो इस बोर्ड को बनाने में एक विशेष चीज का ध्यान रखा गया है कि आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो कि जो प्लाईवुड के बोर्ड होते हैं और इनका जो स्क्रू जो बोलते हैं इसको कि जो दरवाजों को जब हमें स्क्रू से जोड़ते हैं, तो उनकी जो ये जो भार उठाने की क्षमता होती है वो जल्दी खत्म हो जाती है और यहाँ से ये टूट जाते हैं। तो इसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ कंपनी का एक अपना ही टेक्नोलॉजी है जिनका इन्होंने अपने ने पेटेंट कराया है, जिसको कहते हैं क्वाड्रा प्रो टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके और मोटे गोंद ये दोनों का मिक्सचर करके इन दरवाजों को बनाया गया है। सॉलिड वुड फिलर जो है इनके दरवाजों को बेहतर स्क्रू होल्डिंग क्षमता भी देते हैं। तो और इन दरवाजों को आप बिल्कुल कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, जैसे विजन और लूअर से इनके जो है जोड़े और हटाए भी जा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज करवा सकते हैं और इनके जो ताले और हिंज लगाने के लिए जो इन्होंने प्रावधान किया है वो भी बहुत ही अच्छा है। और आप जब इसको यूज करेंगे तो आप एक बेहतरीन क्वालिटी का अनुभव भी करेंगे। तो ये इसके प्रोडक्ट है कंपनी के। इसके बाद हम ये कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की हम बात करें तो देखिए, ये इंडिया में इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और तीनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 5,88,000 क्यूबिक मीटर है और इनकी जो प्रेजेंस है इंडिया के 300 से भी ज्यादा शहरों में है। और इसके साथ हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो ये पूरे भारत में कंपनी के 2100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 10,000 से ज्यादा रिटेलर हैं और इनको ये कंपनी अपने 15 जो ब्रांचेज है पूरे इंडिया में उनके माध्यम से कंट्रोल करती है। कंपनी के रेवेन्यू की हम बात करें तो 82% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लोकल मार्केट से आता है और 18% जो है वो एक्सपोर्ट करके कंपनी को ये रेवेन्यू आता है। कंपनी के एक छोटी सी सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम ग्रीन प्लाई सिंगापुर है और ग्रीन प्लाई सिंगापुर का जो कोई भी कंपनी अपना ये जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है तो उस कंपनी के बीच में और ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बीच में ये कंपनी जो सिंगापुर ग्रीन प्लाई सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड है बतौर एक कमीशन एजेंट का काम करती है। ये इसका मेन काम होता है। और कंपनी की हम बात करें तो ये कंपनी देखिए 2018 में पहले ही जैसे कि हमने बता दिया है कि ये ग्रीन पैनल इंडस्ट्री से 2018 में ये डिमर्ज होकर आई थी और जो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बनाने का जो ये काम करती थी ग्रीन प्लाई उसको इन्होंने पूरे उस सेगमेंट को डिमर्ज करके ये ग्रीन पैनल इंडस्ट्री बनाया है जो कि पूरा अब एक फुल फ्लैश कंपनी बन गई है और इसका मेन बिजनेस है हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड बनाना। तो ये एक कंपनी का छोटा सा ओवरव्यू था और इसके साथ ही हम कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,521 करोड़ का है और कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो 450 रुपये है। 52 वीक का हाई कंपनी के शेयर का 626 रुपया और लो 246 रुपया रहा है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू की बात करें तो ये 1 रुपया का है। कंपनी के सेल्स की हम बात करते हैं तो देखिए 2018 में कंपनी के एस्टेब्लिश होने के बाद 2019 में इसका जो सेल्स का आंकड़ा था वो 599 करोड़ का था और 2020 में ये बढ़कर 877 करोड़ हो गया और 21 में ये 1021 करोड़ और 22 में 1625 करोड़। तो देख सकते हैं कि सेल्स इनका हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए कंपनी ने 2019 में 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था और 2020 में जैसे कोरोना
पेंडेमिक आया तो जब सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए तो यहाँ पे सेल्स भी इंपैक्ट हुआ इनका, और इसकी वजह से कंपनी को केवल 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद कंपनी ने कमबैक किया और 2021 में 69 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और 2022 में ये प्रॉफिट बढ़कर 240 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो कह सकते हैं कि कंपनी का सेल्स बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। और इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए प्रमोटर्स की कंपनी में होल्डिंग जो है 53% की है और FII ने लगभग 6.25% शेयर अपने पास रखा हुआ है। DIIs की बात करें तो लगभग 21.5% की होल्डिंग है इनकी और पब्लिक के पास लगभग 19% शेयर्स हैं। तो देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में थोड़ी सी बढ़ाई है 2019 के मुकाबले। FII ने थोड़ा सा अपना होल्डिंग कम किया था और 2021 के सितंबर क्वार्टर के बाद से कंपनी के प्रमोटर्स धीरे धीरे देख सकते हैं कि इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनको भी लग रहा है कि इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है, इसलिए वो देख सकते हैं कि ये अपनी जो होल्डिंग्स है वो बढ़ाते जा रहे हैं। और DIIs थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को इन्होंने घटाया है, ज़्यादा नहीं घटाया, पॉइंट्स में घटाए हैं और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग भी इस कंपनी में बढ़ाई है। तो कह सकते हैं कि हमें ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। कंपनी के हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 2019 में 668 करोड़ रुपए का होता था जो कि 20 में बढ़कर 684 करोड़, 21 में ये बढ़कर 761 करोड़ और अभी 2022 में 974 करोड़ देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो कंपनी 453 करोड़ रुपए का कंपनी के पास कर्ज 2019 में था जो कि 20 में घटकर 430 करोड़ हो गया और 21 में ये घटकर और पुनः 356 करोड़ हुआ और अभी प्रेजेंट समय में केवल 165 करोड़ का कर्ज कंपनी के ऊपर है। शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि कंपनी ने अपने एक्सपेंशन के लिए लिए हुए हैं, 45 करोड़ से 72 करोड़, उसके बाद 15 करोड़ और अभी करेंटली 117 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करें तो देख सकते हैं कि कंपनी के पास 221 करोड़ का कैश अभी पड़ा हुआ है जो कि अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपनी चूंकि अभी हाल में ही लिस्ट हुई है इसलिए कंपनी ने केवल अभी एक ही बार डिविडेंड दिया है 2022 में फरवरी के महीने में 1.5 रुपया पर शेयर का। कंपनी ने स्प्लिट और बोनस का भी कोई भी फायदा अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है। टेक्निकल चार्ट पे हम बात करें इस कंपनी की तो देखिए इस कंपनी ने अप्रैल 2022 में अपना हाई दिखाया था, लाइफ टाइम हाई जो कि 600 रुपये से ज़्यादा का था। हम इसकी लाइफ टाइम हाई की हम बात कर लेते हैं तो ये देखिए 626 रुपया, 625 रुपये का हाई था और वहाँ से अभी लगभग ये गिरकर 450 रुपये पे आ चुका है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं 26 से 27% का हमें ह्यूज गिरावट देखने को मिल रहा है और इस कंपनी में हम यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना विचार बना सकते हैं। कंपनी जिस दिन यहाँ से दोबारा चलने शुरू होगी तो फिर आप इस शेयर को पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इनके सेल्स डाउन नहीं हो रहे हैं कम्प्लीटली, इसके जो सेल्स हैं और प्रॉफिट मार्जिन हर क्वार्टर में बढ़ता ही जा रहा है। तो ये अभी कंपनी थोड़ा सा अभी काफ़ी चली है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक साल में कंपनी जो 50 रुपये से लेके सीधा 625 रुपये तक का रेट इन्होंने टच किया था। तो अभी थोड़ा सा कंपनी अभी अपने जो पूंजी जो शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी कह सकते हैं कि थोड़ा सुस्ता रहे हैं अभी, और जैसे ही ये यहाँ से अपना ये नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में आपको 1000 रुपये का
प्राइस भी दिखा सकता है। तो मेरा सुझाव है कि आप अभी इस कंपनी में इस प्राइस पर कुछ शेयर बाय कर सकते हैं। कुछ क्या, आपने ये जो भी होल्डिंग रखनी है इस कंपनी में, उसका 50% आप इस प्राइस पे ले सकते हैं। यदि ये कंपनी यहाँ से नीचे आती है, अगर 10 से 15% की गिरावट और देखने को मिलती है, तो आप और 50% रेस्ट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, आपने इनके सारे पैरामीटर्स देख लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।